सभी रामाश्रित आराधकों को सादर अभिवादन। आप जी का महाकाव्य श्री रामचरितमानस के निर्मल भजन साधन की विनम्र प्रस्तुति में प्रणय पूर्ण स्वागतम। इस अत्यंत सुखदायक पाठ में गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, स्वार्थ तोष सम सुगति सुधा के, कमट शेर सम धर्प सुधा के, जनमन मंजू कंच मधु कर से, जी चसो मति हरिहल धर से। भावार्थ, ये सुंदर गति अर्थात मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है और जीभ रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एकु छत्रु एकु मुकुटमणि सब पर्णनी पर जो, तुलसी रघुवर नाम के बरन बिराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुचत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप तुई ईस उपाधि, अकत अनादि सुसामुचि साधि। भावार्थ, समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। कोबर छोट कहत अपराधु, सुनी गुण भेदु समुझे ही साधु, देखे रूप नाम आधीना, रूप क्या नहीं नाम बिहीना। भावार्थ, इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गतना पर ही भई जाने, सुमिरय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदयम स्नेह विशेषे। भावार्थ, कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकत कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी, अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर्थ भाषी। भावार्थ, नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अखतनीय है, वह समझने में सुखदायक है परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। सर्वज्ञ सर्वव्यापी एवं सर्वशक्तिमान प्रभु के इस मंगलमय लीलाओं के गान में आप जी हमारे साथ नित्य निरंतर कथामृत का सेवन कर इस कीर्तन को अधिकतम उपयोगी बनाते रहें। सभी पुण्यात्मा भक्तों का जीवन अति आनंदमय हो।